करहेल के मोहल्ला भटेला में हुए हत्याकांड में घायल महिला यशोदा ने सैफई अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हत्याकांड में मृतकों की संख्या 2 है। रिटायर्ड कर्मचारी ब्रज बिहारी की धर्मपत्नी यशोदा देवी थी। ब्रज बिहारी की उनके ही घर में लोहे के मूसल से हत्या कर दी गई। घर में चारपाई पर रक्तरंजित शव। घटना से मोहल्ले में गम का माहौल है। सुरक्षा की दृष्टि से मोहल्ले में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इनकी उम्र लगभग 70+ होगी। इनका एक नाती अनंत भी साथ में रहता था, 14 साल का है और आज़ाद इंटर कॉलेज में कक्षा 8वीं का छात्र है। तो ये इसने बताया, लड़के ने जो अनंत है उसने पूरा बताया है कि ये बगल में पड़ोस में रहने वाला सुमित उर्फ बंटी है, जो भिंड का रहने वाला है। इसका फादर अजमेर है, जो यहाँ चाट टिक्की लगाने का काम करता है और पिछले 7-8 साल से पंडित जी हैं देवकी नंदर, इनके मकान में किराए पर रहता है। जिसने किन्हीं कारणों से पहले उनको ब्रज बिहारी जो रिटायर्ड लैब असिस्टेंट हैं उनके एक वार किया, कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट है जो लोहे से उससे वार किया, फिर उनकी पत्नी को मारा। तो ब्रज बिहारी जो रिटायर्ड है उनकी तो मृत्यु हो गई और यशोदा जो उनकी पत्नी है वो गंभीर रूप से घायल है, जो सैफई अस्पताल में भर्ती है। और जो उनका नाती है अनंत, इसको भी कुछ चोट लगी है जिनका इलाज किया जा रहा है। काय से मारा? ब्लड होता है वो, उससे मुझे तो वो साथ लेके आया था कि जो है? नहीं, अकेला था वो। अबे उसने हमसे कहा कि रुपए निकाल के अंदर से, तो हमने अंदर से अपने रुपए निकाल के दिए, यहाँ पे रखते थे। और उसने कहा तो मेरे साथ पूरी हेलो अम्मा को ऐसी छोड़ दो, तो मैं ऊपर से भज के आ गया।